हैं। चलो उतरो। शक्कर कम, क्या नाम रखा है? शायद फिल्म वालों के पास बजट कम हो। आई टू में अमित जी का डुप्लीकेट काम कर रहा है। चीन फिल्म के पहले वर्जन में अमित जी ने काम किया था। बता तो ऐसे रहे हो जैसे तुम उनके बहुत बड़े फैन हो। वो तो बिल्कुल अपने ही जैसे हैं। बस उनके पास चार पहियों वाली गाड़ी है और हमारे पास दो पहियों वाली। हाँ। फिल्मों के ज्ञानी हो तुम। फिल्मों के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर सुन के लगता है कि तुम्हारी अंदर काफी पहचान है। या क्या बात है, अब चले अंदर। क्या पंडित जी, इतनी देर लगा दी आपने आने में, हमारे हीरो के आने का टाइम हो गया है। जल्दी आना जरूरी है या मुहूर्त के समय आना जरूरी है? प्रोड्यूसर कहाँ है, पेमेंट की बात करनी है। प्रोड्यूसर, हीरो, डायरेक्टर सब हमारे रोशन भाई हैं, सिर्फ हीरोइन को छोड़कर। हीरोइन भी वही बन जाता तो हमारे बाप का क्या है। चारी, सॉरी, चुप करा दिया। रॉकिंग स्टार रोशन बाबू, रॉकिंग स्टार रोशन बाबू, रॉकिंग स्टार रोशन बाबू। पता हाँ। नहीं कैसे स्टार बन गया, तो मैं ड्राइवर भी ना रखूं। अबे ओ चारी, अपने जबान को बना बेचारी। मैं तो चुपी हूँ, मुझसे ज्यादा आप बोल। चुप कर। ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम भूषणाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः। ना सुनिए, अरे हेलो, नारियल उठाइए और भगवान का नाम लेकर फोड़ दीजिए, आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। नारायणम समप्रभा, त्रिनेत्राय समप्रभा। धन्यवाद। आपकी शक्कर कम फिल्म ज्यादा दिन तक चले इसलिए मैंने बड़े दिल से पूजा की है। दक्षिणा दे दीजिए, हम चले जाएंगे। बाहर गुरुजी इंतजार कर रहे हैं और शमशान में राहु जी की लाश। अच्छा, आप शाम को आ जाइए, मैडम से बोलकर आपको पैसे दिलवा दूंगा। क्या कहा? पूजा सुबह सुबह करवा ली और दक्षिणा शाम को देंगे, नहीं चलेगा। मेरे चांद, तुम्हें फ्लैट चाहिए या सेंट्रल कॉल चाहिए? हमारी दक्षिणा नहीं दी और इसे फ्लैट और गाड़ी दे रहे हैं। कट कट, बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो? हम टांग नहीं अड़ा रहे हैं, हमारी पूजा से ही आपकी फिल्म की शुरुआत हुई है। आप देख रहे हो ना, मुझे नहीं लगता इनके पास पैसे वैसे हैं। फिल्म शुरू कर रहे हैं, हमसे पूजा अभी करवा ली और कहते हैं दक्षिणा बाद में देंगे। ये सब क्या लफड़ा चल रहा है? मैंने कहा मैं शाम को देता हूँ, पर ये मेरी बात सुन नहीं रहे। देखिए पंडित जी, वहाँ स्विमिंग पूल पे हमारी बहन बैठी है, उनसे जाकर पैसे मांगिए। मैडम मैडम मैडम, आखिर ये मैडम है कौन? इनकी पोती। मतलब आप उसके दादा? पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था मैंने। अरे बाप रे, वहाँ शक्कर कम और यहाँ कपड़े कम है। अरे अरे अरे, यहाँ ये लड़की डूब रही है और आप लोग तमाशा देख रहे हैं। अरे ये आप क्या कर रही हैं? अपनी जान दे रही हैं? आत्महत्या करना पाप है, आप ऐसा मत कीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं क्या कर रहे हो? मुंह से मुंह में फूंक कर फेफड़ों में सांस भरने से सांस लेने में आसानी होती है। फिल्में नहीं देखी क्या? तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया? नेक काम करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। आप डूब रही थी तो मैंने कूद के आपको बचा लिया। थैंक यू बोलने के बजाय आप मुझे डांट रही है। देखा क्या हो गया, शर्त हार गई, अब तुम्हारा बाप पैसे देगा। शर्त लगाई थी, कसम से पता नहीं था, मुझे लगा कि आप सच में डूब रही हैं। शट अप। वैसे आप में क्रोध होना ही नहीं चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि आपके पीठ के पीछे एक तिल जो है। हाँ? और इतना ही नहीं, आपके जुड़वा बच्चे होंगे। क्या कहा? हाँ, तिल का भी एक शास्त्र होता है, नहीं समझी ना? मैं समझाता हूँ। चुप रहो, वैसे तुम यहाँ आए क्यों? फिल्म स्टार रोशन ने मुझे यहाँ भेजा है, उन्होंने कहा मेरी पोती से जाके दक्षिणा ले लो। दक्षिणा लाइए। मैं उनकी पोती नहीं हूँ, वो है। क्या? ठीक है ठीक है। ए स्वीटी, तुम 10,000 हार गई ना, तो उसको दे दो। चलो। एक बात बताइए, आप सब लड़कियां हैं ना, लड़की होकर लड़की को लूटना गलत बात नहीं है? हमारे बीच ही चलता रहता है, तुम नहीं समझोगे। ये लो 8,000। और बाकी के 2,000? मेरे दो तिल देखे ना, उसके 2,000 कटती है। पहले पता होता तो आंख बंद करके बचा लेता। निकलो। सुबह मछली, अब ये छिपकली, पता नहीं और कितने संकट आने। जारी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। क्या कह रहे हैं गुरुजी, मैं आपका फ्रेंड कैसे हो सकता हूँ? अजीब बातें करते हैं आप। इसमें अजीब बात क्या है? फ्रेंडशिप करने के लिए उम्र से क्या मतलब? क्या यही बताने के लिए मुझे इतना अर्जेंटली बुलाया? नहीं यार, दरअसल मैंने तुमसे एक बात छुपा रखी है। क्या आप ये तो नहीं कह रहे कि आप ब्राह्मण नहीं है? जिस दिन आपने मुझे मछली खाने को कहा था उसी दिन से मुझे आप पर शक हो गया था। जब देखो मछली की बात लेकर शुरू हो जाते हो। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या पूछना है? तुमने कभी किसी से प्यार किया है क्या? प्यार? हम जैसे पंडित क्या हम भी प्यार कर सकते हैं? क्यों, प्यार क्यों नहीं कर सकते? अब आप ही जरा सोचिए ना, सलीम अनारकली, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, प्यार में इन्हीं की मिसालें दी जाती हैं। हम ब्राह्मणों के प्यार का कोई इतिहास ही नहीं है। अब इतिहास का क्या है, मिटाने से मिट जाता है, लेकिन प्यार कभी नहीं मिटता। जब से आया हूँ तब से प्यार प्यार कर रहे हैं, कहीं आपको प्यार तो नहीं हो गया? अब तो आपको शर्म भी आने लग गई। उम्र बचपन की, दिल बचपन का। गुरु जी, फिलहाल आप शर्माना छोड़ दीजिए और लड़की का नाम बताइए। बजरंगपुर के गणपत शास्त्री को जानते हो? हाँ, वही ना जो झील में जिंदा गए थे लेकिन लाश बनकर बाहर आए। उन्हीं का अंतिम संस्कार करते समय मुझे उनकी बड़ी बेटी से प्यार हो गया। अच्छा, मंत्र पढ़ते पढ़ते? मुंह मंत्र पढ़ रहे थे, आंखें चुप रहकर क्या कर दी, उससे लड़ गई। लेकिन बैड लक, प्यार का मनोहार करने से पहले ही उसकी शादी हो गई। उसकी शादी में उनकी दूसरी बेटी लक्ष्मी पर मेरी नजर पड़ी, वो जस्ट एवरेज थी, इसलिए मैंने उसकी शादी किसी और से करवा दी। पर तीसरी बेटी चंद्रकला को जब मैंने देखा, वो भी किसी और की हो जाएगी और आप देखते रह जाएंगे। इसी बात का तो टेंशन है,
इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी माँ से बात करके जल्दी से उसे शादी कर लूँ। यार चंद्रकला से मैं तुम्हारी पहचान करवाता हूँ, मेरे बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा कर शादी के लिए उसे मना लो। लड़की को मुझसे मिलवा या चक्कर चला देता। ऐसा कुछ मत करना, जैसे दूसरों की शादी में मदद करते हो वैसे ही मेरे प्यार में मदद कर दो, समझ गए? काफी बड़ा घर खरीद कर दिया है गुरुजी। ए, मेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें करना। मैं झूठ नहीं बोलता गुरुजी। सब कुशल तो है ना आंटी? तुम हो तो हमें किस बात की कमी हो सकती है भट्टू? भट्टू आंटी मुझे इसी नाम से बुलाती है। चल। ये कौन है? मेरा कजिन है और मेरा शिष्य। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तुम लोग बैठो, धूप से आए हो, मैं ठंडा पानी लेकर आती हूँ। गुरुजी यहाँ का सारा सामान भी लगता है। मैंने ही खरीद कर दिया है। ये फैमिली आपको चाट कर साफ कर देगी। साफ करने से भले गोरा हो जाऊं पर मेरा काम होना चाहिए। सुना है आजकल बहुत बिजी रहते हो, यहाँ आना भी कम कर दिया है। गुरुजी फिट है, 6 बजे जॉगिंग जाते हैं, 7 बजे जिम, 8 बजे योगा, गुरुजी ने 6 पैक भी बना लिया है। और कितनी तारीफ करेगा? बोलने दीजिए गुरुजी, आप अभी तक ब्रह्मचारी हैं इस बात पर विश्वास ही नहीं होता है। अपने लायक लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना, क्या बोलती है? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है। अरे अरे क्या कह रही हैं आप, गुरुजी की उम्र बढ़ रही है। छिछी आपको पता है परसों शादी करवाते वक्त वहाँ की दुल्हन गुरुजी के साथ भाग जाना चाहती थी, आप ही कुछ समझाइए ना गुरुजी। मैं क्या कहूँ, हर शादी में ये आम बात हो गई है। आंटी ने भी सुना होगा। नहीं नहीं मैंने तो नहीं सुना। लगता है किसी ने बताया नहीं। आंटी बहुत पहुंची हुई लगी। सीधे खड़ा रहे। आंटी चंदा कहाँ है? यही है, शायद पूजा घर में पूजा कर रही होगी। चंदू। अरे ओ चारी, चंदा के मन में क्या है ये तो मैं नहीं जानता, पर ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत धड़क रहा है। एक पैर कब्र में और दूसरा जमीन पर, ये आपको शोभा देता है? ये क्या कह रहा है? वो आ गई। अपशकुन। अरे बार बार यही क्यों आती हैं? आंटी चंदा आ रही है। वैसे गुरुजी ये सिर झुकाकर क्यों खड़ी है? शर्मा रही है, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना चंदा। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चलिए मैं समझाता हूँ। बकवास कर रहा है? बकवास है या मुखवास है, बाद में समझाता हूँ, अब चलिए। भट्टाचार्य जी। चंदा तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे बिट्टू बुलाया करो। बिट्टू? ठीक है भट्टू, आपने जो मेरा म्यूजिक सिस्टम ठीक किया था ना वो फिर से खराब हो गया है, मैं बहुत बोर होती हूँ, उसे जरा फिर से भेज देंगे वो ठीक कर देगा। यही प्रॉब्लम है ना, डेक 2-in-1 है तो ये ऑल इन वन है, चुटकियों में ठीक हो जाएगा। जा रे। गुरुजी पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा इस 2-in-1 के बारे में। अरे पहले तुम इसकी डेक को ठीक करो, जाओ। अरे ये क्या, मुझे ऐसे धक्का क्यों मार रही हो? क्यों बे, नाटक कर रहा है? क्या कहा बे? हाँ बे कहा। फिर से बे बोला? क्यों बे, गुरुजी को सब बताएगा। हाँ और नहीं तो क्या, कलर टीवी, होम थिएटर, 2-in-1, ऐसा करके मेरे गुरुजी को चाट कर खा जाओगे, मैं चुपचाप देखता रहूंगा। ठीक है जाकर बता दे, मैं भी बता दूंगी। तुम क्या बताओगी? यही कि स्विमिंग पूल में मुझे कहाँ कहाँ छुआ था और कहाँ कहाँ पकड़ा था, सब बताऊंगी। जा जा बता दे। ये सब बताओगी तो गुरुजी तो अपनी जान दे देंगे, है ना? इसलिए तुम भी बंद रखो, मैं भी बंद। क्या बंद रखना? मुंह, तब तो फूट जाएगा। क्या भांडा? क्यों रे चारी, काम हो गया ना? गुरुजी ये 2-in-1 International है, बहुत परेशानी हुई। परेशानी हुई कोई बात नहीं, पर काम तो हो गया ना। चंदा शाम को तैयार रहना, हम बाहर जा रहे हैं। लेकिन भट्टाचार्य जी को पता चला मैं चारी से शादी कर रही हूँ तो मर जाएगा। है तो मरने दे उस कमीने को, उसके बारे में सोचकर तू अपनी जिंदगी क्यों खराब करती है? लगता है आ गया। आओ भट्टू। चंदा कहाँ है? बेचारी टेंशन के मारे ऊपर बैठी है। चंदू। गुरुजी ये मुझे देखकर ऐसे शर्मा क्यों रही है? हाँ? ए तू बाहर जा। अरे मैं तो रहने दीजिए भट्टाचार्य। नहीं चंदा, हम लोगों के बीच कोई नहीं होना चाहिए, तुम मैं और मम्मी जी। ए तू बाहर जा। पहले दोनों अंदर गए फिर ये अकेला बाहर आया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से प्यार हो जाएगा, लेकिन हो ही गया। अपने दिल की बात मैं कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर मैं सुनने के लिए बहुत ही उतावला हूँ। 1 मिनट। ए चारी। गुरुजी ये फीलिंग भी क्या चीज है, मेरा दिल धक धक जोर से धड़क रहा है। वो तो धक धक करेगा ही, बुढ़ापे का प्यार है ना। ए एज, इट्स जस्ट अ नंबर यार। वो बाहर आया और चला भी गया, लेकिन ये यहीं पे खड़ा रह गया। क्या बात हो सकती है? पूछ कर आऊं क्या? पूछना नहीं बे, सिर्फ नजर रख। कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग सुबह से हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? मामला क्या है? लगता है इसे हम पे शक हो गया है, वो इधर ही आ रहा है। तुम लोग चुप रहना, मैं इसे संभाल लूंगा। बाबूराव, बाबूराव तुम कहाँ हो यार?
क्या माजरा है? मुझे देखते ही फोन कान पे लगाते हो और तुम्हारा फोन भी तभी बजता है। आखिर बात क्या है? टेंशन में हमेशा ऐसा ही होता है। भाई तो टेंशन किसे है, तुम्हें या फोन को? टेंशन तो हम दोनों को ही है। तो हमें फॉलो क्यों कर रहे हो? सुबह हमारे घर पर आ गए और अब यहाँ पर, बात क्या है? देखिए महाशय, हम आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी खास काम से हम यहाँ रुके हैं, बाद में हम आपको बता देंगे। अरे बाद में क्यों, अभी बता दो क्या वजह है और उसके बाद। अरे इधर आना, वहाँ क्या बात कर रहा है? तुम्हारे फोन की तरह अभी आया गुरुजी। अरे आ जल्दी आ। क्या हुआ गुरुजी, क्यों चिल्ला रहे हैं? वो लोग तुझे अंदर बुला रहे हैं यार। मुझे? इसलिए? तुम नहीं रहोगे तो शादी की बात ठीक से नहीं हो पाएगी। ये क्या कह रहे हैं, सब ठीक तो चल रहा है। अरे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कभी प्यार तो कभी शादी। शादी मुझसे ही करेगी, ये बात साफ नहीं है। मैं भी डायरेक्टली पूछ नहीं पा रहा हूँ, तू ही जाकर सुलझाना यार। आओ बेटा, गुरुजी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। हाँ, बता दिया, बता दिया। मतलब तुम्हें ये रिश्ता पसंद है ना? इसकी पसंद से हमें क्या मतलब, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या, ये यहाँ कैसे आ गया? स्टॉप, तुम तो अंदर गए थे ड्रेस बदल के, बाहर कैसे आ गए? ए, रास्ते से हट, मुझे जल्दी है। नहीं जाने दूंगा, पहले सफाई दो। मिली सफाई? ये कौन सा नया कंफ्यूजन है भाई? लगता है वो अपुन लोगों को शेंडी लगा के यहाँ से कल्टी और रेला है। तो तुम्हें क्या लगता है वो अंदर ही है? अंकल जिंदा होते तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। अरे वो नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो ना, उनकी जगह पर तुम चंदू और चारी की शादी करा देना। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? इन्होंने तो अपने मन की बात कही, पर तुम्हारा मन कितना काला है मुझे पता चल गया। मैंने ही तुम्हें इस लड़की से पहली बार मिलवाया था ना गुरुजी, यही मैंने सबसे बड़ी गलती की। आई डिड अ मिस्टेक, ओके, आई विल सी। गुरुजी, आई विल सी। गुरुजी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खराब। गुरुजी, गुरुजी कहकर तुमने मेरी अरे 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 बैंड ही बजा दी। नहीं गुरुजी, ये एक है या दो है? एक है मगर दो का नाटक कर रहा है। गुरुजी मेरी बात तो सुनिए, गुरुजी रुक जाइए, आपको गलतफहमी हो रही है, मेरी बात सुनिए गुरुजी। अरे ऑटो वाली यहाँ। अरे वो भाग रहा है, चलो पकड़ो। हाँ वो लड़की तुझसे शादी करना चाहती है, अगर तूने नहीं की तो वो कुएं में कूदकर जान दे देगी, समझाओ माँ से। कर ले, घर में पड़ी रहेगी। अरे क्या खाक पड़ी रहेगी, हमें भी बर्बाद कर देगी। ये दोनों माँ बेटी बहुत चालू हैं, मेरे गुरुजी को चाट कर सफा चट कर दिया। और देखो, देखने में बहुत भोली लगती हैं, मगर बहुत बड़ी धोखेबाज हैं। तुम्हारे गुरुजी भी कम नहीं है बेटा, मुझसे भी आगे हैं। ये इतनी बड़ी पलटन लेकर क्यों आ रहा है? अरे अब मैं क्या बताऊं, कहते हुए भी शर्म आती है। ये जो चंद्रकला है ना, इससे गुरुजी प्यार करते हैं। हे भगवान। हाँ? ये तो क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ दादी, अपने भट्टू से? हाँ वही तो कह रहा हूँ। वो पागल हो गया है क्या, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करने चला है? बुढ़ापे में जवानी चढ़ गई है उसे। आओ भट्टू, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। सुन लिया, सब कुछ सुन लिया मैंने, आपने जो कहा मैंने भी सुना और इन सब ने भी सुना। क्या बड़े लोग प्यार नहीं कर सकते? मेरा काम क्या है, पंडित हूँ मैं, बैठ कर काम करना पड़ता है। ऐसे में पेट बाहर नहीं आएगा क्या? इनमें से किसी को सिक्स पैक है क्या? कल इसका पेट बाहर नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? यहाँ डिस्कशन खाने पीने का नहीं, शादी का हो रहा है। तुम इतनी बेरहमी से बात मत करो चंदा, दिल में दर्द होता है। इस उम्र में तुम ऐसा करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इसमें गलत क्या है, माँ बेटी को इतने दिनों से संभाला, उनके सुख दुख में उनका साथ दिया, अगर एक बूढ़ी विधवा के साथ शादी करने का इन्होंने फैसला किया, उन्हें अच्छी जिंदगी देनी चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? ओहो, छी छी, शर्माइए मत माता जी, आत्महत्या कर लूंगा मैं। अरे पर गुरुजी, आप तो चंद्रकला से प्यार करते हैं ना? यही तो समझा रहा था इन्हें, पर ये समझते कहाँ है? लड़की की माँ से शादी नहीं करनी, उसकी लड़की से? छी छी, अरे दुष्ट कहीं का, अगर ये बात हमारे लोगों को पता चली तो थूकेंगे हम पर। चलो भाई चलो, तू खड़ा क्यों है, जाना यहाँ से। ठीक है चला जाऊंगा, पहले मेरे 4 लाख रुपए दो, फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। 4 लाख? 1 लाख ही देना था ना? वो 1 लाख तो सिर्फ मूल है, ब्याज मिलाकर पूरे 4 लाख हुए। रुको रुको, किस बात के 4 लाख? 4 साल से मेरा दामाद तुम्हारे लिए काम कर रहा है, कुछ दिया क्या? 1 रुपया भी नहीं दिया, अब हिस्सा बराबर हो गया, चलो निकलो। दामाद, बहुत जल्दी रिश्ता बना लिया। नहीं गुरुजी, वो तुम जानते हो मुझे मंत्र बोलना नहीं आता, अगर आता तो तुम्हें श्राप दे देता। चारी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। गुरुजी एक बार मेरी बात याद रखूंगा मैं। तो समधन जी, मुहूर्त निकाल लें क्या? किस चीज का, आपकी शादी का? ये तो किस तरह की बात कर रहा है समधन जी, आपकी बेटी मेरे घर की बहू बन चुकी। देखा देखा, आप सबके सामने मुझे आँख मार रही है। अच्छा, आँख मारी, वो क्या होता है? बड़ी मासूम बन रही है, ऐसे ही गुरुजी को चाट कर सफा चट कर दिया, पता नहीं अब बेचारे कहाँ चले गए होंगे। गुरुजी।